हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं? अभ्यास पुस्तक से संबंधित जो पार्ट 7 के क्वेश्चन के आंसर हैं, उसे हम आपको समझा रहे हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हमने बच्चों आपको क्या करवाया था? पाठ्य पुस्तक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन के आंसर थे पार्ट 7 के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और आज की वीडियो में हम हमारी दूसरी बुक है अभ्यास पुस्तक, है ना। अभ्यास पुस्तक में पार्ट 7 के कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं, इसे हम आपको समझा रहे हैं। चलिए, पार्ट है त्योहार का आनंद, है ना, दिखाई दे रहा है सभी को। और इसमें है मेरी बारी 1। मेरी बारी 1 में देखिए, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों, हमने आपको बताया था जो लिंग है वो उसके दो भेद होते हैं, है ना। तो कौन कौन से भेद होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। और स्त्रीलिंग क्या होता है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि क्या क्या शब्द बताए थे हमने? बालिका, गाय, हथिनी, है ना, माताजी, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। तो चलिए, इसमें मेरी बारी 1 में क्या बोला गया है कि दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला लगाइए। चलिए, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और इनमें से हमें स्त्रीलिंग शब्दों पर ही गोला लगाना है। नंबर 1 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हाथी, बालक और बाघिन। तो बताइए, स्त्रीलिंग शब्द सुनने में कौन सा लग रहा है? हाथी, ये स्त्रीलिंग नहीं है। बालक, ये भी स्त्रीलिंग नहीं है। बाघिन, ये क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो इस पर हमें क्या लगाना है? बोला, है ना। देखिए, यहाँ पर बुक में इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है? बोला लगाना है। नंबर टू में देखिए, बेटी, मोर और ज्वाला, ये 3 शब्द दिए गए हैं। तो इन तीनों शब्दों में से राइट आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बेटी। क्या होगा? बेटी। नंबर 3, बकरा, माली और नातिन। तो इन तीनों शब्दों में से कौन सा समझ में आ रहा है स्त्रीलिंग शब्द? बकरा नहीं होगा, माली ये भी नहीं होगा, नातिन जो शब्द है वो है स्त्रीलिंग, इस पर हमें गोला लगाना है। ओके, चलिए, नंबर 4, गायक, लुहारिन और शिष्य। तो देखिए, इन तीनों शब्दों में गायक, ये भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, शिष्य ये भी नहीं है, लेकिन जो लुहारिन शब्द है, लुहारिन, वो क्या होगा? स्त्रीलिंग। इसलिए इस पर हमें क्या लगाना है? बोला। नंबर फाइव में चूहा, चालक और जुलाहिन। तो चूहा ये भी पुल्लिंग शब्द है, चालक ये भी स्त्रीलिंग में नहीं आएगा, ये भी पुल्लिंग है, और लास्ट में दिया है जुलाहिन। तो जुलाहिन भी क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द। ओके, तो ऐसे जो स्त्रीलिंग शब्द है वो बोलने में ही समझ में आ जाते हैं कि ये शब्द कौन से हैं स्त्रीलिंग। बच्चों, हमने इसे आपको पहले भी करवा चुके हैं और ये अभी हमारा क्या चल रहा है? रिवीजन, है ना। तो रिवीजन में आपको हम लिखवा नहीं रहे, केवल हम आपको समझा रहे हैं। ओके, अगर आपने ये नहीं किया है, आपकी हिंदी की नोटबुक में नहीं नोट किया है, तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए और लर्न करते रहिए। चलिए, अब आगे है मेरी बारी 2। मेरी बारी 2 में देखिए, दिए गए शब्दों में से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अलग अलग करके लिखिए। हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, है ना। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है? देखिए कि वाक्य पूरा करने में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया। तो देखिए, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अलग अलग करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, बोर्ड बुक में नीचे आपको दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को हमें अलग अलग करके लिखना है।
पेज नंबर है हमारा 1 अभ्यास पुस्तिका वाली बुक में, है ना। तो नीचे देखिए इसमें दिया हुआ है बहुत सारे शब्द हैं, रहा था, बोलना, रोना, चुका है, रहे हैं और चुनना। तो मुख्य क्रिया में कौन कौन से शब्द आएंगे, बोलना, रोना और चुनना, ये मुख्य क्रिया के शब्द हैं, है ना। मुख्य क्रिया ये बोलना, रोना और चुनना, और सहायक क्रिया कौन कौन सी होगी, रहा था, चुका है और रहे हैं। ओके, इस प्रकार से ये हमने अलग अलग करके बताया आपको। एंड नेक्स्ट पेज में देखिए नंबर 2 में, पेज नंबर 2 में मेरी बारी 3, इसमें लिखा है दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाकर कॉपी में लिखिए। तो इसमें शब्द है देखिए जाना, क्या शब्द है, जाना, इससे वाक्य क्या बनेगा, पिताजी बाजार जा रहे हैं। नंबर 2 उठना, तो इससे क्या वाक्य बनेगा, किसी भी बच्चे का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि वैभव उठ गया, है ना। नंबर 3 गाना, तो गाना से कौन सा वाक्य बनेगा, रमा गाना गा चुकी है। एंड नंबर 4, नंबर 4 में क्या है, सोना, तो सोना से क्या बनेगा वाक्य, दादाजी सो गए, है ना। इस प्रकार से हम अपने हिसाब से कैसे भी वाक्य इन शब्दों से बना सकते हैं। तो बच्चों आप सुन करके इसे लिख लीजिए और लर्न करेंगे, या आप अपने हिसाब से भी बुक में इन शब्दों से आप और भी नए नए वाक्य बना सकते हैं, है ना। तो इन्हीं क्रिया शब्दों से आपको वाक्य बनाना है, कॉपी में लिखना है, लर्न करना है और हमें सेंड करना है। इस प्रकार से पार्ट 7 जो अभ्यास पुस्तिका से है वो भी हमारा लगभग कंप्लीट होता है। अब आगे अभ्यास करो, निपुण बनो, इसे आपको स्वयं कंप्लीट करना है। ओके, और इसमें पेज नंबर 3 में एक रंगोली दी गई है, इस रंगोली में आपको क्या करना है, रंग भरना है, कलर भरना है, है ना। तो सभी को कलर करना पसंद है, यस, जिसको कलर करना पसंद है वो भी कलर करेंगे, जिसे कलर करना पसंद नहीं है वो भी कलर करेंगे, है ना। तो इस चित्र को आप लोग रंग भर के हमें सेंड करेंगे। ओके, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको इन क्वेश्चन के आंसर जितना हमने आज समझाया है उसे आपको नोट करना है और लर्न करके हमें सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।